गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीसेंट्स एंड फॉर्मर्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में हो क्या रहा था कि जो अधिकतम लोग थे वो औद्योगिक कृषि का विकास कर रहे थे, और औद्योगिक कृषि के विकास के साथ साथ कुछ जो किसान थे और ज़मींदार थे वो बाड़ाबंदी कर रहे थे, जिससे मज़दूरों की कमी हुई और बेरोजगार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और महंगाई का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया। उसके फलस्वरूप जब कुछ लोगों के पास काम नहीं था तो कुछ लोगों ने इंग्लैंड छोड़कर वो अमेरिका आकर बस गए। और अमेरिका की अब स्थिति पर हम नज़र डालते हैं, जब वो लोग आकर बसे तो अमेरिका में किस तरीके के जो प्रभाव है वो आए या देखने को मिले। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो इसमें हेडिंग क्या दिया गया है, रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। तो रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो देखिए, तो अटलांटिक महासागर जो है वो अमेरिका के पार, अमेरिका चले गए। तो अटलांटिक महासागर पार करके वो लोग अमेरिका चले गए। तो कौन लोग अमेरिका चले गए इसमें हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो ये पूरा का पूरा आप मानचित्र देख पा रहे होंगे जिसमें 80 करोड़ एकड़ भूमि जंगल की है और 60 एकड़ जो भूमि है वो सिर्फ घास उगाती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा एक प्राकृतिक जो है वो हरियाली का स्रोत है। तो इसमें हम जंगली इलाका देख सकते हैं, सबसे अधिक इसमें जंगली इलाका है, फिर लंबी घास वाला इलाका है, फिर छोटे घास वाला इलाका है, और रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस पूरे इलाके में किस तरीके से क्या बदलाव हुए, तो देखिए, एक समय क्या था कि भूदृश्य का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो श्वेत अमेरिकाओं के नियंत्रण में था। 1780 के दशक में श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट एक छोटी सी संकीर्ण पट्टी तक सीमित था। अगर आप उस समय कि अमेरिका की सैर पर निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल निवासी बड़े बड़े समूहों में मिलते। तो यानी कि इस इतने बड़े देश में, मैं आपको बता दूं, देखिए वर्तमान समय में अमेरिका में कुल कितने एक तरीके से राज्य हैं, वहाँ पर 50 राज्य हैं, और वहाँ पर जैसा हमारे भारत में एक तरीके से प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर ओनली जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं, जिसका आप नाम भी जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप। ऑलराइट, तो वर्तमान समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो देखिए, वहाँ पर भी एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जो लोग थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर भी विकसित नहीं हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग घूमते होंगे और कुछ लोग जो है वो एक स्थिर होंगे। स्थिर का मतलब होता है कि मानकर चलिए आपका ये गाँव है और एक गाँव में ये गली है और इस गली में आपका ये मकान है और आप यहीं पर रह रहे हैं, तो परमानेंट आपका एक तरीके से स्थायी मकान हो गया। बट जो घूमते लोग होते हैं, आज इस गांव में हैं तो कल यहां पर होंगे, कल यहां पर हैं तो आज वो यहां पर होंगे, तो उनका कोई भी एक तरीके से निश्चित नहीं होता, जैसे कि हम लोगों ने चरवाहों के बारे में देखा था। तो घूम तो किस लिए होते हैं, तो घूम तो सिंपली सी बात यह है कि जो लोग घूमते हैं तो वो अपने एक तरीके से जानवरों को लेकर घूमते हैं और शिकार करते हैं, शिकार भी करते हैं, फिर जंगलों से एक तरीके से फूड गैदर्स भी करते हैं। तो उनका जो पूरा का पूरा जीवन रहता है वो एक तरीके से किस पर डिपेंड रहता है, जंगलों पर और उनके घूमने पर, ठीक है ना। बट जो स्थिर लोग होते हैं, स्थिर लोग एक दूसरे से अपना कार्य चलाते हैं, जैसे कि मानकर चलिए हम एक गांव में रहते हैं और मेरा घर ये है, अब मेरे घर में कोई भी मतलब सुविधाएं नहीं है, तो जहाँ पर अधिक सारे लोग रहेंगे तो कोई ना कोई वहाँ पर व्यवसाय भी कर रहा होगा, जैसे आपके गांव में काफ़ी सारे परचून की दुकान भी होगी, एक तरीके से काफ़ी सारे मतलब रिसोर्सेज होंगे आपके लिए, खाने के, पहनने के, और हर एक चीज़ के आपके पास रिसोर्सेज होंगे। बट घूमते लोगों के पास क्या होता है कि घूमते लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता, ये जंगलों में ही एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं चित्र 6 के बारे में। तो देखिए, 1920 का अमेरिका की खेतियार क्षेत्रों का चित्र है, और 1920 के दशक में प्रकाशित की बेकर के पुस्तक इकोनॉमी ज्योग्राफी में संकलित लेखों पर ये आधारित चित्र दिया गया है। तो देखिए, तो इतना बड़ा जब हरियाली का इलाका था ना, ये पूरा का पूरा इलाका, तो यहाँ पर जब एक तरीके से जो है, सॉरी,
इंग्लैंड के निवासी आकर बस गए तो उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर औद्योगिक कृषि का विकास करना शुरू किया। क्या विकास करना शुरू किया? उन्होंने यहाँ पर भी वही प्रक्रिया चलानी शुरू की जैसा कि वो इंग्लैंड में देखते आ रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन पर बाड़ाबंदी करना शुरू किया। बाड़ाबंदी करने पर यहाँ पर औद्योगिक कृषि का विकास करना शुरू किया। ऐसा करने से हुआ क्या कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वो सबसे ऊपर हो गई एक समय में। तो अमेरिका की पूरे विश्व में एक तरीके से तूती बोलने लगी। तूती का मतलब है कि पूरा डंका बजने लगा, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एक तरीके से ज़मीन थी। तो उन्होंने अधिक से अधिक ज़मीन को उपजाऊ बनाना शुरू किया, जिससे अमेरिका एक तरीके से विस्तृत अमेरिका का जो है एक तरीके से विस्तार होने लगा। तो देखिए, तो ये मक्के की पट्टी है, मक्के और गेहूँ की पट्टी, व्यवसाय पट्टी। तो ये मतलब अलग अलग पट्टियों में बांट दी गई थी। यहाँ पर सूखी घास और चारागाह का इलाका, तो पूरे के पूरे इलाकों को उन्होंने बांट दिया था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर क्या होगी। अब बात करते हैं पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूँ की खेती। तो पश्चिम की ओर किस तरीके से गेहूँ की खेती हुई? तो देखिए, अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध सवेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप से जुड़ा है। तो 1775 से लेकर 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद श्वेत अमेरिका पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। तो टॉमस जेफरसन ने 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का तक लगभग 700,000 श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियंस पटारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। तो पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावना से भरा दिखता था और वहाँ के बियाबानों में कृषि योग्य भूमि को बदला जा सकता था। तो जंगल में इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था और खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों में सोने जैसे खनिज पदार्थों का दोहन किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि पहले यहाँ के अश्वेत निवासियों को निकाल बाहर किया जाए। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बना ली कि अमेरिका इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में उनके पश्चिमी की तरफ खदेड़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके गांव जला दिए गए। और इंडियनों ने प्रतिरोध किया कि कई लड़ाइयों में जीते भी, लेकिन अंततः उन्हें समझौता सिंधिया करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर अमेरिका के कूच करना पड़ा। तो मूल निवासियों की जगह पर नए प्रवासी बसने लगे और प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी अपेलेशियंस पठार के बस चुके थे और 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में पैर जमा लिए। उन्होंने जंगलों को काट कर ढूंढ उखाड़ कर खेत और घर बना लिए और फिर उन्होंने बाकी जंगलों में सफाया कर बाड़े लगा लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने बाड़ा जो था बाड़ाबंदी उन्होंने करना शुरू किया इसी तरीके से। और फिर से मतलब औद्योगिक कृषि का यहाँ पर विकास किया। जो कई सालों से यहाँ पर बंजर जमी पड़ी थी उन्होंने उसको उपजाऊ बनाकर एक तरीके से पूरा का पूरा अमेरिका का विस्तार किया। तो शुरुआती वर्षों में उर्वर जमीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की। जैसा कि एक जगह जमीन की पैदावार घट जाती तो किसान बेहतर जमीन की तलाश में नई जगह चले जाते। मिसिसिपिया नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद घटना है सॉरी 1807 के बाद की घटना है। तो बाद के दशकों में यहाँ समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूँ उत्पादनों का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। तो कहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र बन गया? मिसिसिपा में। तो देखिए, हमने देखा साह का मतलब होता है घास व मिट्टी का मिश्रण। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब गेहूँ का उत्पादन अधिक हुआ तो किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसानों ने घास के मैदानों को जो है एक उपजाऊ ज़मीन में बदलकर वहाँ पर गेहूँ का एक तरीके से गेहूँ को उपजाना शुरू किया, जिसे उसको रोटी की टोकरी में तब्दील किया। इसे एक रोटी की टोकरी का नाम दे दिया गया मिसिसिपिया को, ठीक है ना। अब इसके परिणाम क्या रहे? तो इस चीज़ को करने के परिणाम क्या रहे? तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया अपने चैप्टर को। कल हम लोग फिर से अपनी वीडियो के नए लेक्चर में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पहली कोई वीडियो से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो संदेह है
वो अपना लिख सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका डाउट तो एक तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने जो कल वीडियो अपलोड की गई थी अनिल सर के द्वारा, जिसमें यूपीएससी की सभी बुक लिस्ट के नाम जो है वो बताए गए थे, यानी कि यूपीएससी प्रीलियम्स से लेकर के मेंस तक में जो भी ऑप्शनल के लिए या आपके GS1, GS2 या GS3, GS4 के लिए या कंपलसरी पेपर के लिए, जो भी आपकी मतलब कंप्लीट बुक लिस्ट को एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया था। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप YouTube चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाली है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।